तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या नोटिस पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, नोटिस पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। अब वो किस केस में हो सकता है, देखो पहले तो कंपनी आपको रिटर्न देती है कि आपका 2 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने का है, 1 महीने का है। ये कंपनी आपको नोटिस पीरियड रिटर्न देती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब आपको कहीं जॉब मिल जाती है, आप वहाँ पे रिजाइन डालते हो और इसके बाद में आप अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे होते हो, 1 महीने का, 2 महीने का, वॉट एवर जो भी है उस कंपनी का, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अपने रूल्स बनाए। तो उस केस में होता है क्या कि सपोज मैं मान के चलता हूँ आपका नोटिस पीरियड 1 महीने का है। अब 1 महीने तक जो वो 1 महीने का नोटिस पीरियड है, जब आप ऑफर लेटर लेते हो, ऑफर लेटर में साफ साफ ये मेंशन होता है ना, उसमें 5, 6, 7 पन्ने जो आपको ऑफर लेटर में मिलते हैं वो यही सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, जो कि हम लोग उसे पढ़ते नहीं और डायरेक्ट साइन उस पर कर देते हैं। तो नोटिस पीरियड के बीच में अगर आप लीव लेते हो, अगर आप छुट्टी लेते हो नोटिस पीरियड के बीच में, सपोज 1 महीने का आपका नोटिस पीरियड है और जब आपका नोटिस पीरियड आप सर्व कर रहे हो, आपका नोटिस पीरियड चल रहा है, उसी बीच में अगर आपने लीव ले ली, फॉर एग्जांपल 1 वीक की लीव ले ली, साथ उस केस में होता क्या कि आपका जो नोटिस पीरियड है वो ना 30 दिन से 37 डेज होता है, यानी कि 30 डेज से 37 डेज आपका नोटिस पीरियड हो जाएगा। तो ये 7 दिन एक्सटेंड हो जाएगा। आप 15 दिन की लीव ले लोगे जब आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे होगे, तो आपका नोटिस पीरियड 30 डेज से 45 डेज हो जाएगा। यानी जितनी आप नोटिस पीरियड के टाइम छुट्टी लोगे, उस टाइम में आपका नोटिस पीरियड उतना एक्सटेंड हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होगा नहीं, सैटरडे संडे को भी छुट्टी रहती है, तो सैटरडे संडे में काउंट होता है आपका अगर 1 महीने का, तो ये नहीं कि एक 30 वर्किंग डेज का, ऐसा नहीं होता है। अगर उसमें 4 संडे आ रहे हैं तो आप आपके जो पास 4 संडे हैं, वो 4 संडे का भी नोटिस पीरियड उसमें काउंट होता है। सिर्फ अगर आप अपने बिहाफ पे अपने लिए पर्सनल लीव लेते हो तो ही उस केस में आपका नोटिस पीरियड एक्सटेंड होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नोटिस पीरियड किस केस में एक्सटेंड होता है। बाकी कंपनी के एंड से कभी भी नोटिस पीरियड एक्सटेंड नहीं होता है। आप कंपनी पे लीगल केस भी कर सकते हो अगर इन केस कंपनी आपका नोटिस पीरियड 30 दिन से बोलती है 45 दिन सर्व करो। वैसे ऐसा होता नहीं है, जितना नोटिस पीरियड होता है कंपनी उतना ही बोलती है सर्व करने का। इवन कंपनी निगोशिएट भी कर देती हैं, अगर आपका 30 दिन का तो हो सकता है वो 25 दिन में भी आपको छोड़ देती हैं, रिलीज कर देती हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस केस में आपका नोटिस पीरियड बढ़ सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।